हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो कह रहे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। बाबू, आज के लेक्चर में ही बहुत सारी एक्स्ट्रा बात सीखने को मिलेगी। सब सामने देखते रहना बेटा। और आज मैंने बैंक के अलाइड सर्विसेज कंप्लीट कर देनी है। बाबू, जैसे ही अलाइड सर्विसेज कंप्लीट होगी, मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और मैं याद करा देता हूँ, शायद याद भी ना हो कि हम ऑक्सिलरीज को परेड करें। वहां से हमने बैंक शुरू कर दिया था। कल जाएंगे वापसी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर बेटा, और चैप्टर खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी सब सामने देखना है और बेटा अलाइड सर्विसेज पे फोकस है। ठीक है, मैं टॉपिक में ही रहूंगा, टॉपिक में ही एक्स्ट्रा बात आज करता जाऊंगा, टॉपिक खत्म ही करना है आज। बाबू, बैंक की कुछ हमने एक्स्ट्रा सर्विसेज लिख दी थी, जिसमें मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली चीज जिसमें मेरा डिस्कशन था वो है बेटा लॉकर फैसिलिटी। सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे, और लॉकर फैसिलिटी के बारे में समझा। कल मैंने बेटा एक जाते जाते क्वेश्चन भी पुट अप कर दिया था आपसे, और बाबू बता भी दिया था कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं है बेटा जो आपको सेफ्टी देता है और इस चीज की गारंटी देता है कि लॉकर से कोई भी सामान उठ गया तो हम देंगे। ठीक है जी, अब आओ मैं आगे की बात करता हूँ। क्या बेटा सच में इतना आसान होता है बैंक के लॉकर को तोड़ना? मुद्दा ये भी तो है ना, ये तो बात क्लियर है कि बैंक ने कह दिया भाई मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा लॉकर में से कुछ भी उठ गया तो, क्योंकि ना मैं जाके देखता हूं कि तुम क्या रख रहे हो लॉकर में। तो अगर तुमने कल को वैसे ही आके कह दिया कि एक चीज शॉर्ट है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो देखता ही नहीं हूं आके। भाई प्लीज सामने देखना, प्लीज बिल्कुल सामने देखो। आपको पता है लॉकर कैसे ऑपरेट होता है? सबसे पहले मैं यही सिखा देता हूँ। ना वो आपने बैंक में लॉकर खुलवा लिया, आपको पता है किसी भी लॉकर में दो की होती हैं, ये पता है सबको। कोई गया आज तक लॉकर तक, ऑपरेट भी किया? एक दो, चलो मैं बता देता हूँ जो नहीं गए उन सबके लिए। गए हो आ रहे थे बाबू? ऐसा होता है, एक की बैंक के कस्टमर के पास रहती है, मान लो हमारे पास, और एक की रहती है बैंक के पास। बाबू बैंक में ना लॉकर की अलग अलग कैटेगरी है। युवराज भाई सामने देखो, बैंक में लॉकर की अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है किसी किसी बैंक में बेटा लॉकर की कैटेगरी चार है। बाबू ये कैटेगरी डिपेंड करती है साइज पर। कुछ लॉकर साइज में बहुत बड़े हैं, ड्रॉअर जितने बड़े हैं। ये लॉकर ज्यादातर वो लोग खरीदते हैं बेटा जो प्रॉपर्टी में काफी डील करते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर रखने के लिए ड्रॉअर जितने बड़े लॉकर होते हैं। ठीक है नहीं, उसके बाद बेटा साइज कंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है नहीं, और आखिरी में साइज बचता है बहुत छोटा सा, सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी रखने के लिए, जो ज्यादातर हाउस होल्ड लेते हैं बेटा। ठीक है जी, इवन लोग, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, मैंने कल भी बोला था आपसे कि बेटा लोग कैश तक भी रखते हैं लॉकर में। इतने बड़े बड़े ड्रॉअर खरीदेंगे बैंक से रेंट पर, ठीक है ना, लॉकर लेंगे और वो प्रॉपर्टी के पेपर और कैश पेल कर रखेंगे पूरा। क्योंकि क्या है बेटा, घर में रखे हुए कैश को तो बहुत टेंशन है, बैंक में रखा हुआ कैश भी बहुत सेफ है। बैंक अकाउंट में डालेंगे तो भी बहुत टेंशन है, इनकम टैक्स। घर पे रखेंगे इनकम टैक्स का खतरा, लेकिन बाबू फिर भी लॉकर में रख के बहुत बचा रहता है। ठीक है जी, बाबू अब बैंक क्या होता है, मान लो चार कैटेगरी के लॉकर है, ये ए कैटेगरी है, ड्रॉअर ड्रॉअर है बहुत बड़े बड़े, फिर छोटे कैटेगरी है बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी, फिर डी कैटेगरी। ये बाबू मान लो ये सारा स्पेस है बैंक में लॉकर है, ए कैटेगरी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ये लॉकर है सारा। ठीक है, आपने जाते ही बैंक को बोला कि मुझे लॉकर ऑपरेट करना है, बैंक ने पूछा जी नंबर बताओ, आपने कहा जी नंबर है D101, मतलब डी कैटेगरी में 101 है लॉकर। बैंक क्या करता है पता है आपको, आपको कहता है ये बुक है इस पे लिख दो, आप लॉकर ऑपरेट करना है, लॉकर का नंबर लिख दो। आपने लिखा D101, अपने साइन करे, बैंक क्या करेगा, फटाफट से D101 लॉकर खोलेगा कंप्यूटर में, जो भी बैंक का ऑफिशियल है, आपकी फोटो आ गई वहां, फोटो आ जाती है जो जो भी ऑपरेट करने के लिए ऑथोराइज है, आपकी फोटो उसमें मैच करी, ओके है, चलो जी। बाबू आपके साथ जाएगा, क्या करेगा, एक की उठा लेगा डी कैटेगरी की। बैंक में सिर्फ चार ही की होंगी, पूरी ए कैटेगरी की एक, पूरी बी कैटेगरी की एक, पूरी सी कैटेगरी की एक और डी कैटेगरी की एक। ठीक है जी, आप गए बैंक ऑफिशियल के साथ अंदर, उसने क्या किया, आपने भी अपनी की इंसर्ट करी, उसने भी अपनी की इंसर्ट करी, दोनों एक साथ घुमाएंगे, लॉकर खुल जाएगा। जैसे ही लॉकर खुलेगा वो अपनी की बाहर निकालेगा, आपको कहेगा भी ऑपरेट मत करो, अपनी की बाहर निकालेगा और बेटा बाहर आ जाएगा, कहेगा जो मर्जी ऑपरेट करो। बेटा बैंक का कोई भी ऑफिशियल परमिटेड नहीं है, ना ही कभी देखता कि आप लॉकर में क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या डील कर रहे हो, क्या रख रहे हो, क्या निकाल रहे हो, कभी कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा, परमिटेड ही नहीं होता। ठीक है जी, बंद कैसे होता है लॉकर,
सर वो बिना की के भी हो जाता है, वो सिंगल की से भी हो जाता है। बैंक ऑफिशियल तो बाहर आ गया अपनी की लेके, आपने क्या करा, अपनी की निकाली, बस प्रेस करा लॉकर खोलना, फिर दोबारा दो की चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे लॉकर ऑपरेट होता होगा? क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, इन केस वो की खो जाए आपसे तो क्या होगा? तो सरदार ताले वाला 50 रुपए में छाप दिया, कुछ हो गया, सारे सबको पता है। वो क्या होगा, आप तो चाहोगे सरदार ताले वाले को लेता हूँ लॉकर तक और वो चाबी बना दे, लेकिन बैंक जब आपसे एग्रीमेंट साइन कराता है तो उसमें क्लियरली लिखा होता है अगर ये की खोई तो जिस कंपनी के लॉकर है वहां से इंजीनियर आएगा, वो की बनाएगा, उसके आने जाने का एक्सपेंस, लॉकर का जो की बनाने का एक्सपेंस है वो सब आपका होगा। यानी कि बाबू ना करते करते भी 10,000 के नीचे आ जाओगे अगर वो की गई, 10,000 हो जाएंगे सीधा। आपको तो लगेगा सरदार तारे वाला 100 में दो चाबी बना देता, 10,000 जाएंगे। समझ में आ रही है अभी जितनी भी बात बोल रहा हूँ? ठीक है जी, अब बाबू उस क्वेश्चन पे वापस कर जाते हैं। क्या लॉकर सच में तोड़ना इतना आसान होता है जितनी मैं बात कर रहा था? बहुत मुश्किल। आपने पता नहीं कभी देखा है या नहीं देखा, किसी भी बैंक में बाबू जहां पर सारे लॉकर्स होते हैं या पूरे दिन भर में जितना भी कैश इकट्ठा होता है वो कहाँ रखा जाता है बेटा? स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। बैंक की टेक्निकल भाषा उसे स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं। सारे के सारे लॉकर स्ट्रॉन्ग रूम में होते हैं बाबू। पता है कितना बड़ा केबिन है? इतनी बड़ी है, इतनी मोटाई है, गोदरेज के अलमीरा है इतनी मोटी। और एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ तो ज्यादा क्लैरिटी होगी कि उसको तोड़ना कितना मुश्किल है। जिन दिनों मैं सीए की इंटर्नशिप कर रहा था, मेरी 3 साल की ट्रेनिंग चल रही थी सीए के अंडर, उसके बराबर में एक बैंक हुआ करता था जो सीए के पास में था, पीएनबी। ठीक है, कानपुर में ही है, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी। ठीक है, पीएनबी। तो अब एक दिन मैं सुबह 10 बजे ट्रेनिंग पे पहुंचा, मेरे ट्रेनिंग पे पहुंचने का टाइम 10 बजे था, पहुंचा बैंक के खुलने का भी टाइम वही था, बहुत भीड़ लगी हुई, इतनी पुलिस आई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, पूछा किससे क्या हो गया, कहता है चोर था गैस सिलेंडर छोड़ के चला गया, रात का घुसा हुआ है सीसीटीवी में देख रहे हैं, सुबह तक था भाई साहब वेल्डिंग वाला सिलेंडर लेके घुसे हुए हैं बाबू जी रात के, और सुबह के 10 बजे तक पड़े हुए हैं वहां पे। भाई साहब इतने से स्ट्रॉन्ग रूम को आँच नहीं आई, इतनी सी भी, इतना आसान नहीं होता स्ट्रॉन्ग रूम तोड़ना, इट इज नॉट अ जोक। समझ में आया ना किस सेफ्टी की बात कर रहा हूं? ठीक है सेफ्टी बहुत ज्यादा है, पर बाबू इन केस लॉकर से कुछ भी निकला तो मिलता कुछ नहीं, बैंक की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, ये बात कंफर्म है। समझ में आ रही है सारी की सारी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पर बाबू हिंदुस्तान में होता पता है क्या, लोग बाईपास कर जाते हैं सिक्योरिटी। कैसे बाईपास कर जाते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ही है, सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लॉकर। ये बैंक क्या, कि मान लो फ्रंट गेट है, यहाँ से कस्टमर आता है, ये डीलिंग होती है, यहाँ बहुत सारे कैबिन है, ये स्ट्रॉन्ग रूम बना रखा है बैंक ने, ये स्ट्रॉन्ग रूम का केज है पूरा, यहाँ से बैंक एंट्री लेता है, ये सारे लॉकर्स हैं, ये तो खैर छोड़ दो, ये सारे लॉकर्स हैं बेटा, और यहीं पे मेन कैश रखता है बैंक जितना भी पब्लिक डीलिंग से इकट्ठा करता है, और ये बंद करके चले जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, ऐसे ही होता है जनरली किसी भी बैंक में, कोई ना कोई एक कोना पकड़ा होता है इन्होंने जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है। अब लोग क्या करते हैं हिंदुस्तान में, भाई साहब पीछे वाला प्लॉट था, चोर रोज खुदाई कर रहा है, रोज खुदाई, रोज खोदने में लगा हुआ है रोज। ठीक है जी, सुरंग बना रहा है, एक दिन कहाँ पहुंच गया जी, एक दिन इस सुरंग से सीधा बीच में पहुंच गया। क्या रह गई स्ट्रॉन्ग रूम की इंपॉर्टेंस, यही तो सबसे बड़ी राड है। आप देख लो बैंक नोएस में जाके, रेजिडेंशियल इलाके में, क्या पीछे वाले प्लॉट नहीं है, पीछे वाले घर नहीं है, सिक्योरिटी बाईपास हो जाती है स्ट्रॉन्ग रूम की भी, मैंने आपको प्रूव कर दिया कैसे हो जाती है। और ऐसी बहुत सारी न्यूज़पेपर में आई है कहानियां, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रूम, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी, वो भी बाईपास हो गई, सीधा बीच में ही पहुंच गया, स्ट्रॉन्ग रूम उसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ उसके बाद लोग कर तोड़ना मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ी डील होती होगी, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो कर ही देते होंगे, कहा पूरी पूरी एटीएम मशीन उठा के ले जाते हैं यहाँ टूटती नहीं तो, ये यूपी है ये। चलो खैर लेट इट बी,
बाबू लॉकर फैसिलिटी क्लियर है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है मैं सब कुछ बता सकूं लॉकर के बारे में कि बैंक क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकता है आपको। आगे बढ़ाएं बात को। कल किसी ने मुझसे कहा था एटीएम कार्ड, ठीक है, और मैंने कहा था चर्चा पक्का करूंगा। बाबू अब एक बात बड़े आराम से सुनना, सब सामने देखना बाबू। कभी कभी ना मतलब मुझे हंसी आती है बात बताते हुए। एक बहुत फेमस स्कूल के टीचर हैं, एक दिन अपनी क्लास में पढ़ाते हुए कहती है कार्ड्स 3 तरीके के होते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इतने पढ़े लिखे को लोग कहां से आ जाते हैं बेटा, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये दोनों कैसे अलग हो सकते हैं? हाँ दूसरी कैटेगरी जरूर है क्रेडिट कार्ड की, पर बाबू डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड तो एक ही जैसी बात है, ये बिल्कुल एक है। ये कौन से महारथी लोग हैं भैया, हमें नहीं समझ में आती, क्या ही बताते हैं इनके बारे में। बाबू डेबिट कार्ड के साथ फीचर क्या है? इट इज मोर और लेस अ प्रीपेड सिम कार्ड। बाबू ये कुछ और नहीं, प्रीपेड सिम कार्ड की तरह ही है। प्रीपेड सिम कार्ड में क्या करते हो? पहले रिचार्ज कर लो फिर बेनिफिट ले लो। सर यही है, पहले बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा लो, जितने जमा कराओगे उसका बेनिफिट ले लो उस कार्ड से। 50,000 जमा है 50,000 स्वाइप कर सकते हो, 1,00,000 जमा है 1,00,000 स्वाइप कर सकते हो। पहले पैसे जमाओगे बाद में मजे मिलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यही होता है एटीएम कार्ड, इसे ही बोलते हैं डेबिट कार्ड टेक्निकल भाषा, ठीक है जी। और बेटा दूसरी कैटेगरी बाबू क्रेडिट कार्ड की, ये क्या है? पोस्टपेड सिम, मतलब पहले बेनिफिट्स ले लो, 1 महीने बाद बिल आएगा जमा कर देना। सब सेम कहानी है, इधर देखना मेरी तरफ। बाबू बहुत सारे लोगों के बीच ना, खासकर यंग जनरेशन के बीच में क्रेडिट कार्ड लेना ना एक लग्जरी माना गया। मतलब यंग जनरेशन को लगता है कि यार तौर बनती है क्रेडिट कार्ड, हर एक को नहीं मिलता ना, यार इज्जत बन जाएगी हमारी, मेरी रेपुटेशन बहुत बन जाएगी। हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है आपकी नजरों में हो, पर हम कुछ नहीं समझते क्रेडिट कार्ड को, पुरानी जनरेशन समझती है बेवकूफी है क्रेडिट कार्ड लेना। खैर सबकी अलग अलग सोच है, मैं क्लियर करता हूँ क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे। और वो आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, सब सामने देखते रहना, आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, सेविंग अकाउंट में ना अच्छी खासी ट्रांजेक्शन कर लेते हो आप, हर महीने 50,000 रुपये 60,000 रुपये जमा कर देते हो, ठीक है जी, साल भर के 7-8 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन है। बाबू जब 6 महीने तक ऐसा कर लोगे ना तो किसी भी बैंक से ना आपको ऑफर आने शुरू हो जाएंगे, सर क्रेडिट कार्ड आ रखा है आपके बैंक अकाउंट में लेना चाहोगे? सर जब भी कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर आएगा हमेशा वो एक लिमिट के साथ आएगा, क्रेडिट कार्ड की हमेशा एक लिमिट होती है, ये अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन की परमिशन नहीं देता, ये बात अच्छे से समझ लो। आपने पूछा जी कितनी लिमिट है, उन्होंने कहा जी 1 लाख रुपए की लिमिट आई है, ठीक है जी। आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए की लिमिट के साथ, अब आपने क्रेडिट कार्ड का स्वाइप करना शुरू कर दिया हर मंथ 2-3 जगह पर, पेट्रोल भरवाने जाते हो स्वाइप कर देते हो, रिचार्ज करते हो वहीं से यूज कर लेते हो क्रेडिट कार्ड से, वैसे दो तीन ट्रांजेक्शन कर रहे हो और टाइम पर बिल पे कर रहे हो। 2-3 महीने बाद फिर फोन आएगा, सर क्रेडिट कार्ड की ना लिमिट एक्सटेंड हो गई, 1.5 लाख हो गई, कराओगे? आपने कहा जी कर दो। ये कहानी अगर आप रेगुलर चला के रखोगे ना, एक दिन क्रेडिट कार्ड में 20 लाख की लिमिट तक पहुंच जाओगे, यानी कि मिलता आपकी रेप्यूटेशन पर ही है वो। क्रेडिट कार्ड में बैंक को पैसे कितने दिन में देने होते हैं ये बड़ी काम की बात है, कितने दिन में देने होते हैं कोई बताएगा? बताओ। 1 साल बाद? नहीं यार ये तो तुक्के मारने शुरू कर दिए तुमने, तो नहीं 1 महीना भी नहीं है, वह बता देता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, मिस्टी बेटर हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक बाबू 45 से 50 दिन बाद, ठीक है ना जी। 1 मिनट मेरी तरफ देख लो, पहले मेरी तरफ देख लो, आपने आज स्वाइप कर दिया है 45 दिन तक बैंक कुछ नहीं कह रहा आपको, कोई पैसा मत दो, 45 दिन के बाद जमा कर दो, अगर जमा ना हुआ तो भाई साहब जान निकाल देंगे, 3% ब्याज लग के आ जाएगी और पेनल्टी अलग, कि हर महीने आपने 3% ब्याज देनी है इस पैसों पे, 3% महीने की ब्याज समझते हो, साल की 36% ब्याज हो गई, लोन 9-10% भी देता है बैंक। क्रेडिट कार्ड बैंक की बहुत बड़ी कमाई का धंधा है, क्योंकि बैंक जानता है कोई ना कोई भूलेगा जरूर, तभी हमारी पास जनरेशन बोलती थी क्रेडिट कार्ड लेना बेवकूफी है,
और करंट जनरेशन को लगता है मजे हैं, ये तो सो वो दिखाता हूँ मैं, अपनी टॉर दिखाता हूँ, मैं लग्जरी दिखाता हूँ कि मेरे पास चार चार क्रेडिट कार्ड है। भाई बैंक बहुत अच्छे से जानता है, बोलोगे चार में से एक बार भी भूल गए बस हो गया काम उसका, तो 3% आ गए, पेनल्टी अलग आ गई, 500-700 रुपये लगेंगे लगेंगे। समझ में आ रही है बेटा बात? और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 45 से 50 दिन में करनी है, मुझे किसने बताया ये? मेरे को तो आपकी एज से पता है। एक मूवी थी जन्नत, कभी देखी है? किसी ने देखी है जन्नत मूवी? चलो किसी ने नहीं देखी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, किसी दिन यहीं पर दिखाएंगे भी आपको, ये तो बात पक्की है। मैं आज एक आध सीन में आपको दिखाऊंगा जन्नत मूवी का, जहां वो बताएगा कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कितने दिन में होती है, खुद बताएगा, मुझे तब से याद है वो। ठीक है जी, वो अभी जाते टाइम दिखाऊंगे, अभी नहीं, अभी मैं बीच में अगर इंटरप्ट करूंगा ना, मुझे पता है क्या होगा उस बैच की हालत। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। सर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मैंने इंट्रो दे दिया, जितना देना था, लॉकर फैसिलिटी बात कर ली मैंने, आगे बढ़ाता हूँ बात को। बाबू बैंक आपके बिहाफ पर बहुत सारी पेमेंट करता है, वो बात आपकी मर्जी, आप कराना चाहो करा लो, नहीं कराना चाहो नहीं करा लो। क्या क्या बैंक मेरे भी आप पर पे कर सकता, सुन लेना, ये बात कल किसी ने नहीं बोली थी, मैं बता रहा हूं। बैंक मेरे बिहाफ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर सकता है, बैंक मेरे बिहाफ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर सकता है, बैंक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकता है, बैंक हाउस टैक्स पे कर सकता है, बैंक जो आप चाहो वो पे कर सकता है, जो आप चाहो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर करता हूँ कि इन फैसिलिटी का लोग इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं करते, और कुछ टेक्निकल टर्म बोलूंगा, फील करना यहां पर। बाबू मेरी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैंने ली हुई है फ्रॉम LIC। ठीक है, ऐसा है नहीं, मतलब मैं ऐसे ही बोलो, कहानी बना रहा हूं। ठीक है, और मान लो एनुअली प्रीमियम जाता है उसका, और हर साल जाता है एक फिक्स डेट पर, कुछ भी समझ लो फिक्स डेट है, कुछ भी 1 जून, मान लो 1 जून को जाता है हर साल। ठीक है, और हर साल की कहानी है ये, मैं हर बार भूल जाता हूँ 1 जून को कि प्रीमियम की लास्ट डेट है, हर बार भूलता हूँ, 2-3 जून को जाता हूँ, 200-300 रुपये पेनल्टी दे के जमा करा के आता हूँ, हर बार यही कर रहा हूँ, रेगुलर हूँ, परेशान हूँ मैं, 3-4 साल हो गए लगातार ये गलती करते हुए। मैंने आज अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि बैंक एक कमांड डाल दे ना कंप्यूटर में कि हर बार 31 मई को मेरे अकाउंट से पैसे कटे और LIC के इस अकाउंट नंबर में ये पैसे पहुंचे। बैंक ने कहा देख पेमेंट तो कर दूंगा तेरे बिहाफ पर, चार्जेस चाहिए। मैंने कहा दिए चार्जेस कितने हैं? कहता है 20+ GST। मैंने कहा बस, मैंने कहा 200 रुपये तो हर बार पेनल्टी भर के आता हूँ, तू लगा कमांड लगा दे। बाबू बैंक से ऐसी आप किसी भी कमांड को लगा सकते हो, इसको बैंक की भाषा में बोलते हैं SI। SI मतलब होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रही है बात? टेक्निकल भाषा क्या है? SI लगाना, SI मतलब स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लगवा दिया आपने बैंक को। ठीक है जी, वो हर बार कमांड काम करेगी, 31 मई को पैसा कटा करेंगे और बेटा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अकाउंट में जमा हो जाएंगे, मतलब LIC के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। बाबू क्या बैंक से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करा सकते हो, फॉर योर सरप्राइज करा सकते हो? आपको लगता है लेकिन हम चार्जेस क्यों दें? भाई आप करा सकते हो, आप कराते, पता है क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको लगता है यार जीपे के जमाने में हम बैंक को क्यों गए, और उसको 20 रुपए 25 रुपए किस बात के चार्जेस है, ये तो मैं एक बटन दबाऊंगा पे कर दूंगा, सर सबको फील होता है, इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कराते। पर मैं बता देता हूँ, मैं कराता हूँ, मैंने ऐसा ही लगवा रखी है, पर वो कैसे लगा रखी है अब आपको ये भी नहीं लग रहा होगा कि मैं इतना घाटे का सौदा करने वाला बंदा हूँ। अब ये भी समझ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना घाटे का सौदा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैंने लगा रखी है HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से, SI। हर महीने बिल जनरेट होता है, जैसे ही जनरेट होता है मेरा क्रेडिट कार्ड पैसे जमा कर देता है, और महीने चार्जेस तो मेरे से लगते ही नहीं, बल्कि वो क्रेडिट कार्ड में 5% कैशबैक आता है। ऐसे थोड़ी यार, सारे घाटे हम नहीं खाने हैं, घर का बिल 5 से 10 हज़ार रुपये गर्मियों में तो रहता ही, वैसे चल नहीं है, एवरेजली 7 हज़ार भी रहता हो, 350 रुपये कैशबैक हर मंथ, माड़ा है क्या? चार्जेस चूर्जेस तो भूल जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? क्या बैंक आपके भी आप सारी पेमेंट कर सकता है, जो आप चाहो वो कर सकता है। आपने कहीं से लोन लिया है,
और आप बेटा हर महीने लोन की किश्त जमा करवाना चाहते हो, सर बैंक वो भी पे कर सकता है, आपके अकाउंट से पैसा काटेगा, जिस भी लोन अकाउंट से लोन हुआ है उसमें पैसा जमा कर देगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़ गए आगे बाबू, अब एक चर्चा ई बैंकिंग पर, नेट बैंकिंग पर, जो कल मुझे वासु ने कही थी बात, ठीक है जी। मैं धीरे धीरे उस तरफ जा रहा हूँ कि बेटा मैं बैंक में सभी बातें खत्म करने वाला हूँ, जो जो भी आपने पूछी थी सभी बातें, ठीक है जी। ई बैंकिंग पर एक बात करते हैं, सब सामने देखना मेरी तरफ, और बाबू मैं यहाँ से एक बात क्लियर करना चाहूंगा आपको। बाबू आपको एक बात बता देता हूँ, कोई बैंक नहीं चाहता कि आप बैंक के उस चार दीवारी में आकर अंदर कोई ट्रांजेक्शन करके जाओ, एक सिंगल बैंक भी नहीं चाहता, आपको पता है बात, एक बैंक नहीं चाहता बैंक के अंदर आओ ट्रांजेक्शन करके जाओ, क्योंकि बैंक विल इनकर अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 45 पर ट्रांजेक्शन। अगर आप बैंक ब्रांच वॉल के अंदर आके ट्रांजेक्शन करके जाते हो, बैंक उस एक ट्रांजेक्शन का खर्चा एवरेजली 45 रुपए आता है, ऐसा बैंक का सर्वे बोलता है। अब आप सोच रहे होंगे बैंक को खर्चा आता है इस चीज का, लो मैं प्रूव करता हूं, आराम से सुनना जरा इस बात को। वो एक बात बताओ, आप आज गए पेन स्लिप भरी आपने सेविंग अकाउंट में 100 रुपये जमा कराने की, ठीक है लाइन में लग गए, सेविंग अकाउंट में 100 रुपये जमा कराने, आपने जमा करा दिए, बैंक ने कोई चार्जेस लिए इस बात के आपसे? एक सिंगल पैनी भी फटाफट बताओ, नहीं 100 रुपये जमा कराने तो 100 के 100 जमा होंगे, कुछ कटा? 1 रुपया नहीं काटा बैंक, करे पूरे 100 जमा कर दिए। आपको पता है बैंक उसका खर्चा कितना है? 45 रुपये, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, हर सिंगल ट्रांजेक्शन का बैंक 45 रुपए खर्च रहा है। कैसे बाबू? बैंक में आपको क्या लगता है, किसी भी छोटी ब्रांच में भी चले जाओ, ये गली मोहल्ले की ब्रांच है, पीएनबी माधवनगर, 10 से 10 10 15 15 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एवरेजली 50 50 हजार सैलरी पर, भाई 15 एम्प्लॉय 50 हजार रुपये सैलरी, 7.5 लाख रुपए सिर्फ सैलरी का खर्चा। इधर देखो मेरी तरफ, भाई रेंट पर चल रहा है, कोई भी बैंक अपनी जगह नहीं लेता, लीज पर लेता है, ठीक है ना, जिसको लीज पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता बताऊंगा, अभी रेंट समझो बाबू, 50 50 हजार, लाख लाख रुपए महीना तो रेंट दे रहे हैं कोई भी बैंक को, ठीक है जी। बाबू 1 लाख रुपए रेंट दे दिया, 7.5 लाख रुपए सैलरी, 8.5 लाख रुपए बेटा, तीन तीन ऐसे लगे हुए हैं, बंद नहीं होते, ब्रांच खुलती है तब शुरू होते हैं, ब्रांच बंद होती है तब बंद होते हैं, लाइट चली जाएगी जनरेटर चला जाएगा बाबू, 10 लाख से ऊपर एक ब्रांच का खर्चा खर्चा है। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर 10 लाख रुपए आपका एक्सपेंस हो डिवाइडेड बाय जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने एक महीने में करी, इस खर्चे से इस ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर दो, पर ट्रांजेक्शन आरबीआई कहता है 45 रुपए खर्चा है। कौन सा बैंक चाहता है कि आप अंदर घुसो ट्रांजेक्शन करो, 45 रुपए ट्रांजेक्शन के बैंक खर्च रहा है। और व्हाट अबाउट एटीएम कार्ड? अगर मैं एटीएम कार्ड में जाके कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, लगभग 15 से 20 रुपए खर्चा है बैंक बैंक का। हाँ, आपको लग रहा है एटीएम से मैंने जाके बैलेंस चेक कर लिया बस आ गया मैं, कम से कम बैंक को इसका खर्चा 15 से 20 रुपए, आपको लग रहा है अच्छा बेटा, एटीएम भी जिस जगह पे वो भी रेंट पर है, पहली बात रेंट, 24 आवर एसी बंद नहीं होता, तीन तीन टाइम के सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, 24 घंटे सिक्योरिटी बैठी हुई है, सबका खर्चा, एटीएम रीफिल करने मशीन आएगी, साथ में इंजीनियर आएंगे, साथ में 3 4 सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, भैया पैसे लगते हैं, फ्री नहीं है वो रीफिल करने वाले भी, बैंक इतना खर्चा कर देता है, आप जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन कर लो 15 से 20 रुपए तो बैंक की खर्च रहा है। और बेटा व्हाट अबाउट नेट बैंकिंग? पर ट्रांजेक्शन सिंपल सी कॉस्ट है बैंक को 80 पैसा बस, क्योंकि नेट बैंकिंग में खर्चा क्या हुआ बैंक का? वेबसाइट मेंटेन करने का खर्चा, रखे हुए हैं कुछ इंजीनियर्स जो मेंटेन कर रहे हैं। भाई बड़ी सीरियस बात बोलने जा रहा हूं, आज नहीं तो कल, देखो टाइम लगेगा पर बाबू फिजिकल ब्रांचेस में बंद होना ही होना है, बैंक की आप जितनी भी सर्विसेज देख रहे हो सब ऑटोमेटेड हो जाएंगी, ठीक है ना जी, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल होता रहेगा फॉर फंड ट्रांसफर, किसी को पैसे देने के लिए, किससे पैसे लेने के लिए। व्हाट अबाउट कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल?
बेटा वो एटीएम कार्ड पर चलेगा, मतलब सॉरी एटीएम मशीन पर चलेगा। बेटा आज की तारीख में आप देख रहे होंगे, आपके शहर में भी है, मुझे नहीं पता आप देखते हो कि नहीं, बेटा बहुत सारी मशीन है एटीएम कम सीडीएम मशीन। देखिए किसी ने, सीडीएम क्या होता है, कैश डिपॉजिट मशीन, बहुत सारी मशीन है आपके शहर में, वो बात अलग है कि आपने देखी नहीं। कोट रोड पे चले जाओ, आईसीआईसीआई बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में भी है, शिवालिक में भी है बाबू, एटीएम कम सीडीएम मशीन, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन और सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन। उसी मशीन में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो, जब आप पैसा डालते हो मशीन काउंट करती है, मशीन बोलती है इतने ही पैसे थे, इतने इतने नोट थे 500 रुपए के, आपने कहा जी यस ओके, उसने कहा जी जमा करने हैं, आपने कहा जी ओके, किस अकाउंट में जमा करने हैं, आपने अकाउंट नंबर टाइप करा, कंफर्म कर दो अकाउंट नंबर, आपने कंफर्म करा, 1 मिनट बाद मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए। बेटा उसी मशीन में पैसे जमा करे, उसी मशीन से निकल रहे हैं, सुबह शाम लोग जमा कर रहे हैं, सुबह शाम में रिफिल की कॉस्ट बहुत बचने लगी, मजा आ गया बैंक का, एटीएम बार बार रिफिल कराते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी कम आ गई, और बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, बैंक ब्रांचेस में सारा दिन भीड़ लगी रहती थी वो बहुत कम होने लग गई। बेटा यही फ्यूचर है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, एटीएम कम सीडीएम मशीन और नेट बैंकिंग, ये बैंक ब्रांचेस दिखाई नहीं देंगी क्योंकि आरबीआई खुद भी नहीं चाहता ये चले। मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब नेट बैंकिंग पर थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैंने पहले ही बताया नेट बैंकिंग की जरूरत क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। सर इंडिया में नेट बैंकिंग सेफ है क्या, फटाफट से बताओ जल्दी से, फटाफट से, नहीं चलो कौन कौन कह रहा है सेफ है, जो तो कह रहा सेफ है हैंड रेस कर लो यार, देखो मेरा थोड़ा थोड़ा साथ दे दिया, एक हाथ तो दे दिया करो, फ्रॉड किसी के साथ ना हुआ हो, बस कहना है सेफ नहीं है, 1 2 3 4, चलो 4 5 तो हैं। सर इंडिया में नेट बैंकिंग जितनी सेफ है ना उतनी किसी भी देश में नहीं है, हाँ बस आपको बोलना होता है, लो मैं प्रूव कर देता हूँ, खाली ऐसे बात नहीं चलती, प्रूव कर देते हैं बाबू। पहली बात ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा एक सिंगल सेकंड में बाबू, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जब आप वेबसाइट एंटर करते हो खुलती हैं, वैसे मैं इस बैकग्राउंड से हूं नहीं, जाना भी नहीं चाहता हूं, ठीक है ना, HTTP खुलती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग गूगल पे डाल के देखें ना, अभी अभी करवा रहे हैं, ये सिंगल सेकंड के बाद करा रहे हैं, जब भी बेटा नेट बैंकिंग खुलेगी लिखा आएगा HTTPS, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। पहली बात तो वेबसाइट पर ही बहुत सिक्योरिटी है, ऐसे नहीं वेबसाइट जाने लग रही, या कोई भी तुम सोचो साइबर अटैक होगा 2 मिनट में वेबसाइट पड़ी होगी, इतना आसान नहीं होगा किसी भी बैंक की मतलब वेबसाइट को ऐसे उड़ाना, पहली बात तो ये समझो, और मैं दिखा भी देता हूँ, एक काम करो मैं ही क्यों दिखाऊं, आप गूगल करो सिर्फ डालो, कोई डालेगा PNB नेट बैंकिंग, कोई SBI, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा, जो सबसे ऊपर लिंक आएगा उसमें पढ़ लेना लिखा होगा HTTPS, अगर ये 5 7 बच्चे ओके कर दें तो बाकी सारे बच्चे मान लेंगे ओके हैं, कुछ आप भी सर्च कर लो, कुछ ये कर लेते हैं, कर दो फटाफट से, अगर एक सेकंड पॉज करो, चलो मान गए सारे 30 सेकेंड्स में ही मान गए कि वेबसाइट तो पहले सिक्योर है, और आगे सिक्योरिटी फीचर की बात करो, प्लीज मेरी तरफ देखो, सामने देखो बाबू, जब भी आप किसी बैंक में जाकर नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाते हो, कभी भी नेट बैंकिंग एक्टिवेट कराओगे, आपको बेटा सबसे पहले यूजर आईडी मिलती है, विच इज वेरी यूनिक, जब तक आप शेयर नहीं करोगे शायद कोई गेस ना कर पाए, उसके बाद बाबू आपको लॉग इन पासवर्ड मिलता है, विच इज वेरी यूनिक, जब तक आप नहीं बताओगे किसी को वैसे नहीं पता लगेगा, वो बात अलग है आप गर्लफ्रेंड का नाम ही डाल देते हो आगे @123 तो उसको पता लगेगा ही, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपको मिलता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, अगर आपको लगता है ना इसके बाद भी सिक्योरिटी में कमी रहेगी तो उसके बाद आता है OTP। भैया कोई मतलब बेवकूफ आदमी ही कहेगा कि ये सिक्योर्ड नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है इतना सिक्योरिटी सिस्टम, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी, और उसके बाद सुन लो सिक्योरिटी है कितनी, भैया ये यूनिक ये यूनिक ये यूनिक और ये यूनिक, आपने यूजर आईडी डाली, लॉग इन पासवर्ड डाला, नेट बैंकिंग खुल जाएगी, पूरा इंटरफेस खुल जाएगा, देख क्या क्या पाओगे, अकाउंट में बैलेंस कितना है, अच्छा पिछली 10 ट्रांजेक्शन देख ली किसको किसको पैसे भेजे, ठीक है जी बाबू,
कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा। देख सब कुछ सकते हो, आपने कभी एफडी बनानी है, खाते में 10 लाख है, 1 लाख की एफडी बना दो, जैसे ही आप कहोगे एफडी बनानी है वो कहेगा पहले ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दे। आपने कहा जी केशव को मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दो 20,000, वो कहेगा पहले ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दे, और जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालूंगा सबसे पहले मेरे ही नंबर पे ओटीपी भेज देगा। भैया चार चार सिक्योरिटी लगी है, कौन क्रैक कर लेगा इसको बिना आपके बताए? मुझे बता दो, एक आदमी बता दो जो क्रैक कर सके। एक सिंगल ट्रांजेक्शन क्रैक नहीं कर सकते, पूरा बैंक क्रैक करना तो बहुत दूर की बात। ठीक है, जिसने आज तक कभी नेट बैंकिंग नहीं चली चलाई हैंड रेस कर। देखना चाहते हो नेट बैंकिंग लाइव? मैं चला के दिखाऊंगा अपनी। इतनी जल्दी हाँ तो कर दे तो ये रौनक तो मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए बैठा, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं कुछ भी कह दूं हाँ हाँ बिल्कुल दिखाओ दिखाओ अभी नेकी और पूछ पूछ अभी दिखाओ। भैया दिखाऊंगा लेकिन मैं अपने समय से दिखाऊंगा ना। ठीक है जी, चलो किसी ने चलाई है नेट बैंकिंग हैंड रेस करना। भाई जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं होता? चलाइए स्पर्श, जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में ऐसा होता है? कौन सा बैंक यूज करते हो? SBI। मैं HDFC की भी यूज करता हूँ, मैं PNB भी यूज करता हूँ, मेरे साथ तो यही होता है, बाकी पता नहीं, बाकी दिखा देंगे आपको। और ठीक है जी, आगे बढ़ाए बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू मेरे मेरा भी काम हो गया, तुम टेंशन ना लो, मुझे एक वीडियो दिखानी है वो मैं दिखा देता हूँ। वीडियो वैसे भी मैं मतलब क्लास चलते हुए नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि वरना यूट्यूब स्ट्राइक डाल देगा अभी, कॉपीराइट कंटेंट और पता नहीं क्या क्या। एक बार मैंने दिखा दी थी वैसे में कॉपीराइट कंटेंट का मैसेज आ गया था, तो इसलिए तो वीडियो तो मैं वैसे भी बंद करूंगा। ठीक है ना, फिर आपको दिखाता हूँ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।